हेलो साथियों कैसे आप सभी लोग मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के अपने चेतन परिवार एग्जामपुर में दोस्तों और इस एग्जामपुर के टीचिंग प्लेटफॉर्म पे तो एक बार कैसे सभी लोग जुड़ जाएंगे साथी सभी के सभी लोग जुड़ जाएंगे आज से हमारी क्लास हो रही है, दोस्तों ये क्या करंट अफेयर की क्लास होगी बहुत सारे मेरे प्यारे साथी पहले से मुझे देख भी देख भी रहे होंगे जानते भी होंगे बहुत से साथी मेरे लिए अभी यहाँ पे नए होंगे और मैं भी आप लोगों के लिए नया हो सकता हूँ तो कोई भी परेशानी होने की जरूरत नहीं करंट अफेयर को हम लोग दोस्तों आज से एकदम शानदार तरीके से देखिएगा तरीका बहुत अलग होगा मेरे जो मैं करंट अफेयर आपको कराता हूँ तरीका बहुत अलग होगा देखिए बड़ा ही शानदार से सेशन से वाला तरीका अलग होने का बात करूँ तो क्या होगा मैं आपको कोशिश कराऊंगा कि यहीं पे 80 परसेंट क्लास में ही याद करा दूंगा क्या क्लास में ही साथी ही परसेंट आपको याद करा दूंगा चलिए बहुत बहुत शानदार साथी सभी लोग जुड़ जाएंगे 80 परसेंट तक यहीं आपको याद करा दूंगा बस शर्ते आपको डेली बनना है क्या बस शर्ते जब भी ये क्लास होगी आपको यहां पे बनना है आपको यहीं पे चीज़ों को याद करा दी जाएगी और करंट अफेयर में कोई भी आपको परेशान नहीं होना कि गुरुजी जी यहां पर भी मतलब कि ये लेवल का आता है कि थोड़ा सा ऊपर पढ़ो क्या पता ऊपर का आ जाए नीचे वाला तो, तो, तो अपने आप आ जाएगा थोड़ा सा अगर हम हाई लेवल पढ़ेंगे थोड़ा सा अगर हाई लेवल पढ़ेंगे तो ये नीचे नीचे वाला तो अपने से कवर हो जाएगा ना ये नीचे वाला अपने से कवर हो जाएगा तो हम लोग याद कर लेंगे यानी कि हम लोग के की मान लो तैयारी करते हैं समझिए मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा मान लीजिए कि आपके ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो टीचिंग का कर रहा है तो वो के का भी ना तैयारी करता हो लगभग मैक्सिमम लोग करते होंगे तो मान लीजिए मैंने के के लिए पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो क्या उसके नीचे वाले जो रहेगा इसमें तो आ ही जाएगा ना आ जाएगा ना साथी मेरी बातों को समझ रहे हैं ना चलिए बच्चे ये क्लास आपको डेली नहीं अभी टाइम टेबल मैं बता देता हूं कि कैसे चलेगी क्लास ये क्लास अल्टरनेट चलेगी क्या आज चार बजे है ना आज चार बजे है ठीक है आज चार बजे साथी तो कल नहीं होगी क्या कल नहीं होगी फिर परसों चार बजे होगी क्या फिर परसों बजे होगी मतलब कि की दिन बीच करके ये क्लास होगी टेंशन आपको नहीं लेना है और फिर संडे को मैं इसका पूरा रिविजन करा दूंगा पूरा याद करा दूंगा शानदार तरीके से क्लास को यहीं पे याद करा दूंगा चलिए एक बार सभी लोग रेडी हैं एक बार सभी लोग रेडी हैं तो साथी थम्सअप कर, कर दोगे क्या थम्सअप कर दोगे साथी यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ बन चुके हैं कौन कौन बन चुका भैया तो यहाँ पे पूजा जी अभिराज जी प्रिया जी बंदना जी नेहा जी, अभी जी, लक्ष्मी जी प्रिया जी पियूष अधिका अस्थाना सभी लोग बन चुके एक बार सभी लोग रेडी हो तो थम्सअप कर दीजिए तो आगे बढ़ते हैं सभी लोग और मेरे प्यारे साथी क्लास को शेयर कर देंगे जितने लोग जुड़ते रहेंगे क्लास को शेयर कर देंगे ये पहली क्लास है ना तो लोगों को पता नहीं है कि ये क्लास हो रही है तो शेयर कर दोगे तो पता चलेगा चलिए तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आज है कब आज है तीन हम लोग हर दो फरवरी को क्या मनाते हैं हर दो फरवरी को मनाया जाता है विश्व आद्र भूमि दिवस क्या विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रश्न आपसे यही पूछा है विश्व आद्र भूमि दिवस दोस्तों पूरे विश्व में कब मनाया जाता है तो बात है दोस्तों आद्र भूमि क्या होती है वो गीली भूमि समझिए ये गीली भूमि जहां पे हमेशा बारह मास पानी रहती है तो बोलोगे गुरु जी ये आद्र भूमि तो क्या समुद्र में भी बारह मास पानी रहती है ये आद्र भूमि समुद्र भी हो गया क्या ये नहीं आता है दोस्तों इस वेटलैंड में ये नहीं आता है क्योंकि इस आद्र भूमि के साथ साथ इसमें क्या ऐसी भी होनी चाहिए साथ में पेड़ पौधे हो जहां पे जानवर वगैरह आकर अपना व्यस्त रहते हो खाना वाना खाते हो ठीक है चलिए गुड इवनिंग सभी साथी लोग को गुड इवनिंग तो हम लोग दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि हर साल दो फरवरी को मनाया जाते हैं क्यों मनाते पहली बार से दोस्तों कब मनाया गया था तो पहली बार से मनाया गया था देखिए इस बार का थीम भी याद कर लेंगे

अच्छा पहली बार इसे उन्नीस में मनाया गया था पहली बार इसे उन्नीस में मनाया गया था अब बोलोगे कि हम लोग दो फरवरी को क्यों मनाते हैं देखिए दो फरवरी को इसे क्यों मनाया जाता है तो बात है दोस्तों दो फरवरी को ही क्यों मनाते हैं ये ध्यान से सुनेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे अगर आपको याद होगा तो बार बार एक खबर चर्चा में रहता है रामसर साइट क्या रामसर साइट का नाम सुने है ना बार बार आप लोग खबर पढ़ते होंगे रामसर साइट ठीक है रामसर साइट में जोड़ा गया कोई भी आद्र भूमि रामसर साइट में जोड़ा जाता है ये रामसर साइट है क्या दोस्तों तो कुछ नहीं एक एक रामसर जगह है क्या रामसर एक जगह है ये जगह कहां पर है ये ईरान में है क्या ईरान में जगह है ये यहां पे क्या किया गया था आर्द्र भूमि को बचाने के लिए क्या जितने भी आर्द्र भूमि है उसको बचाने के लिए बात है कब दोस्तों बात है दो फरवरी समझे मेरी बातों को दो फरवरी आया ना दो फरवरी उन्नीस की बात है जब यहां विश्व के बहुत सारे देश हैं जब यहाँ पे साइन किया आद्र भूमि को बचाने के लिए क्या आद्र भूमि को बचाने के लिए यहाँ पे साइन किया गया कि कुछ एक साइन किया जाए और इसी को नाम दिया गया रामसर कॉन्वेंशन क्या क्या नाम दिया गया इसका रामसर सर नाम दिया गया रामसर कॉन्वेंशन नाम दिया गया इसका तो ये रामसर कॉन्वेंशन किस देश से बिलोंग कर देता है ये मेरे साथी ये ईरान में दो फरवरी को देखिएगा दो फरवरी को इसे साइन किया गया था लेकिन इसको लागू कब किया गया था इसको लागू किया गया था दोस्तों उन्नीस में लागू किया गया था कब उन्नीस में लागू किया गया था अगर अब यहां से आपका प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है क्या अगर पूछ लेगा भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट है भारत में मेरे साथी आज तक भारत में अभी आज तक जो आर्द्र भूमि है क्या जो आर्द्र भूमि

जब खबरों में था जनवरी में दस जुड़े गए थे तब हो गए थे 37 कितने हो गए थे तब हो गए थे 37 अब वर्तमान में दोस्तों इसमें क्या कर दिए गए हैं वर्तमान में चार पांच दो तीन महीने में चार पांच और जुड़े गए हैं चार पांच और जोड़े गए हैं चलिए चार पांच और जुड़े गए हैं कौन कौन से जुड़े गए हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं आप कमेंट करके बताइएगा ये कहां से बिलोंग करते हैं जो चार पांच जुड़े गए हैं पांच और यानी कि यहाँ पे सैतीस पांच और जुड़े गए हैं ना बयालीस तो ये जो पांच जुड़े गए हैं प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा वो भी तो देखिए और तीसवा कौन सा जुड़ा गया है और तीसवा मेरे प्यारे साथी आसन रिजर्व थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं आसन रिजर्व अड़तीसवा ठीक है आसन रिजर्व अड़तीसवा उनतालीसवा की बात करता हूं तो कौन जुड़ा गया ये काबर ताल क्या काबर ताल ठीक है ताल या कावर झील बोलते हैं ये जोड़ा गया चालीसवा का बात करता हूं तो दोस्तों ये लोनार झील क्या लोनार झील चालीसवा जोड़ा गया कहां पर है ये बताएंगे इकतालीसवा की बात करता हूं तो दोस्तों ये कीथम झील या सूर सरोवर झील क्या कीथम झील या सूर सरोवर झील ये क्या था इकतालीसवा सूर सरोवर ठीक है सूर सरोवर या कीथम झील बोलते हैं ये इकतालीसवा था बयालीसवा कौन था मेरे प्यारे साथी बयालीसवा था सोकर झील बयालीसवा कौन हो जाता है बयालीसवा कौन हो जाता है सोकर

भारत का पहला कहीं पूछ लिया ना तो याद करना ये उड़ीसा में चिलिका लेख है क्या चिलिका झील ये चिलिका झील भारत का पहला था चिलिका झील भारत का पहला था यह कहां पर है उड़ीसा में कहां पर है मेरे साथी उड़ीसा में है भारत का पहला उड़ीसा चलिए इतना चीज आपको क्लियर हुआ इतना चीज आपको क्लियर हो गया ना इतना चीज आपको क्लियर हो गया जो जो पूछेगा आपको बता देना है क्या जो जो आपको पूछेगा बता देना है चलिए अगले प्रश्न अगले प्रश्न की तरफ बढ़े अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते इसी तरह आराम से पढ़ते जाएंगे सो so डेट आराम से बताता दूं बताते जाऊंगा कि आप नोट भी करते जाओगे क्या नोट भी करते जाओगे बस साथ ही क्या करना है इस क्लास को शेयर करते जाना क्या क्लास को शेयर करते जाना ताकि सभी लोगों को पता चल जाए ये क्लास करेंट अफेयर की आपके लिए शानदार सी क्लास एक स्टार्ट कराई गई है चलिए अगला प्रश्न आपके पास आ जाता है कल कहीं खबर है विथ ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप दो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है कौन कौन सा ये योजनाएं पूछ लेता है किस राज्य के द्वारा और किस केंद्र जितनी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं होती है आपके पेपर में पूछ लेता है तो अगला एक पूछा गया है दोस्तों ये मो जीवन मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप किस राज्य के द्वारा बस एक बात आपको याद रखेंगे जब भी यहां पे मो आ जाएगा शब्द तो मो आ जाएगा तो इसका बिलोंग कहां से हो जाएगा महाराष्ट्र से क्या महाराष्ट्र से ये कहां से दोस्तों उड़ीसा से हो जाएगा कहां से उड़ीसा मो जीवन और भी योजनाएं क्या क्या लॉन्च की गई इसी नाम से मो जीवन ठीक है बच्चों के लिए मो प्रतिभा भी लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए यह सारे चीज ये बच्चों के लिए मो जीवन मो प्रतिभा ठीक है अम्मा मोदी अम्मा मोदी तो कहीं और क्या हो जाता तो मो जीवन नो फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप ये किसके लिए तो जितने भी उड़ीसा में फॉरेस्ट एरिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जागरूक करने के लिए यह ऐप लॉन्च किए गए हैं क्या यह ऐप लॉन्च किए गए समझे मेरी बातों को इस ऐप को लॉन्च किया गया चलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया अब देखिए मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला ये के द्वारा। के अब अब मैं आता हूं दोस्तों वन रिपोर्ट 2019 पे कहां पे रहता हूं दोस्तों वन रिपोर्ट 2019 पे उन्नीस वन रिपोर्ट दो रिपोर्ट 2019 पे आता हूं अगर वन रिपोर्ट 2019 की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर है किस राज्य में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा फॉरेस्ट या वन किस राज्य में यह हो जाता है मध्य प्रदेश में क्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हो जाता है उड़ीसा दोस्तों इसमें पांचवा स्थान पर क्या उड़ीसा इसमें चौथे स्थान पर यानी कि टॉप फाइव में है टॉप फाइव में तो सबसे ज्यादा वन कहां पर हो जाता है मध्य प्रदेश में हो जाता है अगर कोई आपसे यह पूछ लेगा कि 2019 हजार वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वन की बढ़ोतरी कहां पर हुई थी वन की बढ़ोतरी कहाँ पर हुई थी यानी कि पिछली बार से बढ़ोतरी कहाँ पर हुई थी तो बढ़ोतरी पिछली बार से जो सबसे ज्यादा हुई है वो कर्नाटक में हुआ बढ़ोतरी तो कर्नाटक में हुआ मेरी बातों को समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूं देखिए अगर कोई आपसे पूछ लिया कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर है सबसे ज्यादा कहां पर है तो सबसे ज्यादा ये है यहां पर यह मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा की बात करूंगा तो मध्य प्रदेश अगर पूछ लिया पिछले साल इतना था अब बढ़ा है सबसे ज्यादा पिछली बार से कहां पर बढ़ा है तो ये कर्नाटक में पिछली बार से बढ़ा है और कर्नाटक में मेरे प्यारे साथी सबसे ज्यादा क्या है सबसे ज्यादा चंदन का बन है क्या चंदन का बन सबसे ज्यादा है चलिए गुड आफ्टरनून जी और बहुत लोगों को गुड इवनिंग सही है चंदन का बन हो जाता है चलिए चलिए बाकी याद रखना बाकी आप याद रखना बाकी आप याद रखना दोस्तों उड़ीसा की बात करता हूं तो उड़ीसा के जो सीएम नवीन पटनायक क्या नवीन पटनायक जी से आप याद रखना नवीन पटनायक जी से याद रखना दोस्तों इनको क्या मिला है इनको पेटा के द्वारा पेटा के द्वारा दोस्तों हीरो टू एनिमल अवार्ड क्या हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया दोस्तों पेटा के द्वारा पेटा एक संस्था जो जानवरों को देखता पीटो हीरो टू एनिमल अवार्ड क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान जानवरों के लिए चौवन लाख रुपए की बिल पास की थी सो डेट कि सब लोग अपने घर में बैठे थे अब जानवर कैसे खाए पियेंगे तो जानवर के लिए उन्होंने एक काम किया था तो इसलिए पेटा ने उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था बच्चे मैं एकदम धीरे धीरे चल रहा हूं आप थोड़ी सी स्पीड वाला इससे मैं धीरे तो नहीं चल सकता यह मैं बता रहा हूं जितना भी स्पीड पढ़ाता उससे एकदम हाफ स्पीड में पढ़ा रहा हूं जैसा कि मुझे बताया गया बच्चे नहीं तो मेरी स्पीड बहुत नहीं चलता है तो अगर बहुत सारे लोग पता पता भी होगा दोस्तों मैं आपके लिए एकदम धीरे बता रहा हूं आप थोड़ी स्पीड को बढ़ा लीजिए चलिए दोस्तों ऑक्सफोर्ड निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द चुना है हिंदी शब्द को दोस्तों किसको चुना है पराक्रम ठीक है आत्म आत्मसत संविधान या आत्मनिर्भरता देखिए संविधान को दोस्तों इसने पिछले साल सुना था यानी कि 2019 का हिंदी वर्ड संविधान के द्वारा चुना था जो ये ऑक्सफोर्ड वगैरह होते हैं ना एक वर्ड को चुनते हैं क्या ये वर्ड को चुनते हैं बाबू थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए गोलू मोलू जी जो भी है मोलू चलिए तो देखिए ये आत्मनिर्भरता को क्या जो हिंदी वर्ड छोड़ा है आत्मनिर्भरता को जोड़ा गया ऑक्सफोर्ड के द्वारा किस वर्ड को चुना गया आत्मनिर्भरता को हिंदी वर्ड को जोड़ा गया चुना गया 2020 का जबकि 2020 19 में संविधान को, को चुना था क्या संविधान को चुना था चलिए और अलग अलग देखिए इस बार जो अंग्रेजी वर्ड है ऑक्सफोर्ड ने नहीं निकाला एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लोगे अलग अलग डिक्शनरी के द्वारा कौन सा वर्ड चुना गया 2020 का

2019 में अंग्रेजी की बात करूंगा तो किसे चुना था अंग्रेजी की इमरजेंसी को चुना था क्या इमरजेंसी क्लाइमेट इमरजेंसी को चुना था 2020 में इसने एक वर्ड को नहीं चुना 10 से 15 से 20 वर्ड को चुना क्या 15 से 20 वर्ड को चुना है ये ऑक्सफोर्ड ने बाकी हिंदी में किसको चुना है आत्मनिर्भरता को ठीक है हिंदी में किसको चुना है ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता को एक बार इसका स्क्रीन इस ले लोगे ले लोगे तो हिंदी में, में मेरे प्यार साथी इसने हिंदी में किसको चुना है हिंदी में किसको चुना है आत्मनिर्भरता आत्म निर्भरता बच्चे अगर जो बोल रहे हो ना आप धीरे पढ़ाओ तो एक एक दिन करके ये क्लास है तो हम तो बहुत पीछे हो जाएंगे आपको थोड़ा आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाने की जरूरत हो जाती है साथी चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आगे बढ़ूं स्क्रीनशॉट ले लिया भैया तो मैं आगे बढ़ जाऊं स्क्रीन शॉट ले लिए तो मैं आगे बढ़ जाऊं तो बताइए चलिए मैं आगे बढ़ता हूं इससे प्रश्न पूछेगा जिसको जैसे बोल रहा हूं आप वैसे कर लेना ऑक्सफोर्ड 2019 के संविधान को चुना था अभी याद रखना किसको चुना है अभी आपको याद रखना है आने वाले पेपर में पूछेगा संविधान को पूछा गया है संविधान को पूछा गया है ठीक है संविधान को दोस्तों पूछा गया, गया था समझे मेरी बातों को संविधान को पूछा गया था समझ गए मेरी बातों को आगे बढ़ जाते हैं चलिए द फर्स्ट ऑफ द काइंड ऑफ बोटेनिकल गार्डन नेम Botanical garden, जिसका नाम क्या हो जाता है चलिए देखिए जो हमारी पहाड़ी रेंज है शिवालिक जो पहाड़ी की जो रेंज है जो हिली रेंज है दोस्तों शिवालिक है जो शिवालिक हिली रेंज है इसमें क्या करने के लिए यहां पे दोस्तों जो जितने भी पेड़ पौधे लगभग 210 तरीके के पेड़ पौधे को दोस्तों क्या करने के लिए उनके बारे में बताने के लिए और उसको संरक्षण करने के लिए क्या उनका संरक्षण करने के लिए एक शिवालिक और बेट्रम ये नाम से पहले प्रकार का वनस्पति उद्यान कहाँ पर खोला गया, गया है तो यह या, याद रखना ये मेरे प्यार साथी ये खोला गया है नैनीताल में कहां पे ये नैनीताल कहां पे उत्तराखंड नैनीताल में खोला गया पे उत्तराखंड नैनीताल में खोला गया दस प्रकार के 210 पर स्पीशीज को ये वृक्षों की यहां पे प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए तो याद रखना देखिए अगर आप डेली आओगे न साथी तो मैं आपको याद करा दूंगा जब अब आगे जब भी उत्तराखंड की जिक्र होगी तब मैं इसको जिक्र करूंगा तो आपसे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ठीक है ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा अब देखो जो लोग नोट कर रहे हो तो कैसे नोट करना है कैसे नोट करना है आप इसको समझ लीजिए जिस तरीके से ये आपको लिखा हुआ है ना यहाँ पे इसी तरीके से बस नोट कर लीजिए शिवालिक और वो ट्रम नैनीताल उत्तराखंड बस यही आपको नोट कर लेना क्या शिवालिक ऑर्बिट और, और नैनीताल उत्तराखंड में चुना गया बस लिख लीजिए आगे ही ये पौधों को संरक्षण करने के लिए क्या पौधे को संरक्षण करने के लिए बस इतना ही नोट करना है प्रश्न में इतना ही नोट करना है बाकी जो मैं आपको बता रहा हूं वो तो आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूं समझ गए तो ज्ञान आपको भी लो इससे भी ज्ञान मिलेगा बाकी मैं जो बता रहा हूं वो तो बार बार बोलूंगा चलिए विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैज दॉन्च हर घर पानी हर घर सफाई योजना हर घर पानी हर घर सफाई योजना तो ये मेरे प्यारे साथी आपको कौन से दिख रहे हैं ये मेरे प्यारे साथी अमरिंदर सिंह दिख रहे हैं क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहा के हो जाते हैं ये कैप्टन अमरिंदर सिंह हो जाते हैं दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहा के पंजाब के पंजाब के पंजाब के क्या हो जाते हैं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे प्यारे साथी ये पंजाब के कहां पे हो जाते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री इनके द्वारा हर घर सफाई योजना क्या हर घर सफाई योजना पांच बजे तक क्लास चलेगी क्या पांच बजे तक चलिए हर घर सफाई योजना हर घर पानी हर घर सफाई योजना चालू किया गया देखिए अगर आपको बात है तो बता दूं भारत सरकार एक योजना लेकर चल रही है जिसका क्या नाम है जल जीवन मिशन क्या जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन इस मिशन के तहत भारत क्या चाहता है 2024 तक 2024 तक भारत के पूरे घर में पूरे घर में ये सभी लोगों को नल से पानी प्रोवाइड कराना क्या नल से प्रोवाइड कराना तो ये भी आप याद रखोगे कि जल जीवन मिशन कब तक पूरा करना चाहता है भारत का जो जल जीवन मिशन है किस वर्ष तक पूरे घर में नल से पानी प्रोवाइड कराता है तो ये 2024 तक और इसी के तहत हर घर पानी और हर घर पानी और हर घर सफाई योजना की शुरुआत की गई है किसके द्वारा पंजाब के ये पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी के द्वारा ये आपको देखो यहाँ पे कौन दिख रहा है ये आपको दिख रहे हैं मेरे प्यारे साथी ये आपको देख रहे हैं कौन से ये चुलबुल पांडे के कौन ये हो जाते हैं छेदी जो छेदी हुआ वाले दबंग वाले तो इनको दोस्तों ये तो रियल हीरो ये फिल्मों में तो वो विलेन का रोल करते ये रियल हीरो में क्या है? ये रियल में मेरे प्यारे साथी हीरो क्या ये रियल वाइल्ड के वर्ल्ड के हीरो हो जाते हैं ये रियल वर्ल्ड के हीरो हो जाते हैं अब यहाँ पे इनको क्यों जिक्र किया हो तो बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए यहाँ पर बनता है इसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चन को रिलेट करूंगा कैसे अभी रिलेट करके एक बता रहा हूँ देखिए ये हो जाते हैं दोस्तों सोनू सूद क्या ये कौन हो जाता है ये हो जाते हैं सोनू सूद कौन है सोनू सूद हो जाते हैं दोस्तों भारतीय एक्टर सोनू सूद हो जाते हैं इनको इनको क्या किया है जो निर्वाचन आयोग जो जो आयो है निर्वाचन आयोग है सोनू सूद के, बार हर, हर के बारे में एक आत्मकथा भी आ रही है क्या एक किताब भी लिखी जा रही है उसका क्या नाम हो जाता है मैं मसीहा नहीं ये भी नोट कर लोगे मैं मसीहा नहीं ये किताब किसके बारे में है आई एम नोट मसीहा क्या दोस्तों आई एम नोट मसीहा आई एम नोट मसीहा आई एम नोट मसीहा मैं मसीहा नहीं मैं मसीहा नहीं ये सोनू सूद लिख रहे हैं सोनू सूद तो खुद लिख रहे हैं क्या सोनू सूद खुद लिख रहे हैं और साथ में इसके एक सह लेखक है क्या सह लेखक है सह लेखक है जिनका क्या नाम हो जाता मीना अय्यर क्या मीना अय्यर सह लेखक हो जाती है मीना अय्यर सह लेखक हो जाती है इसको भी नोट कर लोगे सोनू सूद मेरे साथी सोनू सूद के द्वारा एक ऐप भी लॉन्च की गई थी क्या नाम था

Which among the following has, फॉलोइंग इंडियन एम्बेसडर has दी appointed as the निम्नलिखित में से कौन भारतीय अमरीकी को दोस्तों नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में हर एक प्रश्न स्टार मार लेना क्योंकि आपके पास वही प्रश्न लेकर आऊंगा जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा फालतू चीजों को नहीं लेकर आऊंगा समझे मेरी बातों को निम्नलिखित में से किस भारतीय अमरीकियों को नासा का कारवा चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया देखिए सबसे पहले अगर बात करूं यहाँ पे चार ऑप्शन चारों ऑप्शन के बारे में जिक्र करता हूं ये सभी चारों के चारों दोस्तों क्या है ये भारतीय अमरीकी है क्या चारों के चारों भारतीय अमरीकी हो जाते हैं बात करूंगा दोस्तों विवेक मूर्ति एक बार सारे ऑप्शन के साथ खोल लेते हैं नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट विवेक मूर्ति की बात करूंगा दोस्तों

राष्ट्रपति को वाइफ को क्या बोला जाता है अमेरिका में फर्स्ट लेडी बोला जाता है इनके क्या नाम हो जाता है जोई बिडेल की वाइफ को क्या नाम बोला जाता है जिल बिडेन और उनके जो सेक्रेटरी बनाया गया है ये माला अडिगा को बनाया गया तो क्या माला अडिगा को जिल बिडेन का सेक्रेटरी क्या जिल बिडेन का सेक्रेटरी जिल का मुख्य मुख्य सचिव मुख्यक्रेटरी बना दिया गया क्या सेक्रेटरी बनाया गया किसको माला को आपके पास बच क्या जाता दो ऑप्शन ऑप्शन लाल बच जाता है क्या ऑप्शन लाल को बनाया गया नासा का कार्यवाहक कार्यवाहक स्टाफ ऑप्शी भव्य लाल ऑप्शन डी सही हो जाता है क्या ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों अगर मुझे अच्छा लगेगा क्या बहुत अच्छा लगेगा आप शुरुआत दिन ही इस क्लास को 500 लेकर जाओगे तब सही है मेहरारू कौन होता है पूछ जो तुम्हारी तो दोस्तों पहले तो देख लीजिए नासा जिस तरीके से हमारे यहां भारत में इसरो है ना उसी तरीके से नासा क्या अमेरिका में नासा जापान में जाक्सा इसी तरीके से वहां पे नासा है अमेरिका में नासा का गठन कहां पे होता है उन्नीस जुलाई

ठीक है हर मंथ में जो अच्छा परफॉर्म करेगा क्या हर में जो अच्छा परफॉर्म करेगा हर मंथ में जो अच्छा खेलेगा तो देखिए भारत के तरफ से पूछा किसे नॉमिनेट किया गया भारत के तरफ से किसे नॉमिनेट किया गया तो अगर आपको याद होगा अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो हाल ही में ऋषभ पंत दोस्तों अब बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है करते हुए ये बात है कब दस दिन दस पंद्रह बीस दिन पहले की बात है जब ऋषभ पंत ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए एक ऑस्ट्रेलिया में मैच जीतवाया था क्या ऑस्ट्रेलिया में मैच जीतवाया था इसके लिए ऋषभ पंत को भारत के तरफ से नॉमिनेट कर दिया गया नॉमिनेट हुए हैं अभी याद रखोगे इन्हें ये मंथ ऑफ द ईयर वो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला नहीं नॉमिनेट हुए हैं नॉमिनेट कौन कौन हुए हैं ये जनवरी के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुआ है ऋषम पंत भारत से ठीक है जोई रूट इंग्लैंड से पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड से ये तीन लोग नॉमिनेट हुए और इन्हीं तीनों में से क्या किया जाएगा अब ये कैसे अवार्ड दिया जाएगा आप लोगों को वोट करना है क्या वोट करना है साथ जितना ज्यादा ज्यादा वोट होगा उतना अब बताओ ये रूट कहां से इंग्लैंड से हो जाते हैं पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड से अब कौन जीतेगा इनको जीत जाना चाहिए क्योंकि अगर भारतीय लोग आधा लोग भी वोट कर मतलब आधा क्या जितने क्रिकेट देखते हैं उसके आधा लोग भी वोट कर देंगे तो ये जीत जाएंगे चलिए आईसीसी की बात करूंगा दुबई में इसकी हेडक्वार्टर हो जाती है 1909 में इसका गठन हुआ था सीईओ भारत के हैं मनु सानी और हाल ही में प्यारे प्यारे ये बने हैं अध्यक्ष कौन बना है चेयरमैन हाल ही में बने हैं ये ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है Appointment, appointment, हाल तो कहां से है न्यूजीलैंड से, से हाल ही में चलिए रिसेंटली विदड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम दी नॉन एवीएम फ्रॉम दी देखिए बैंकों का बहुत सारे न्यूज आएगा लेकिन मैं, मुझे बहुत सारे बैंकों का न्यूज आता है लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा वही मैं आपको कराऊंगा क्या वही यहां पर खबर क्या है कि दोस्तों जो नॉन ईवीएम एटीएम है क्या नॉन ईवीएम नॉन ईवीएम उससे ट्रांजेक्शन करना एटीएम से अब बंद कर दिया गया है एटीएम से बंद कर दिया है किसने मेरे प्यार साथी? पंजाब नेशनल बैंक ने कब से एक फरवरी से बंद कर दिया अब पूछोगे गुरुजी ये नॉन ईवीएम क्या होता है क्या नॉन ईवीएम क्या होता है ठीक है एटीएम रखें डीटर जी एटीएम कोई बात चलिए चलिए कोई बात नहीं मैं आपको बता रहा हूं नॉन ईवीएम क्या होता है पहले दोस्तों एक एटीएम होता था जहां पे साइड में क्या लगता मान लीजिए ये एटीएम हो, हो गया क्या मान लीजिए ये एटीएम हो गया ठीक है तो आपको बगल में ब्लैक स्ट्रिप लगी होती थी याद है ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप लगी होती थी दोस्तों ब्लैक वाली स्ट्रिप लगी होती थी पहले पहले ये डालते थे ना तुरंत डालते थे तुरंत निकाल लेते थे क्या तुरंत डालते थे तुरंत निकाल लेते थे इसी को नॉन ईवीएम एटीएम करते कि नहीं डालते अगर आप कुछ एटीएम का यूज कर रहे होंगे तो अब वर्तमान में किस तरीके का एटीएम यूज किया जा रहा है ठीक है यहां पे क्या करते हैं एक चिप रहा है क्या टाइप का रहता है। इसको जब डालते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है क्या थोड़ी देर के तो समझे मेरी बातों को नॉन ईवीएम से किसके द्वारा बैंक ने किया क्या? एक फरवरी से पंजाब नेशनल बैंक ने किया है चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इसके बारे में देखते हैं देखिए हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर के बीच में क्या चल रहा है डिस्प्यूट चल रहा है लड़ाई चल रहा है ठीक है हाल ही में नहीं ये हाल का खबर नहीं है हाल में अभी चर्चा में है जिस तरीके से भारत पाकिस्तान बॉर्डर के लिए लड़ाई करता है चाइना लड़ाई कर चाइना से लड़ाई चलता है हमारे कुछ राज्यों के भी जो राज्य हैं नेता अपने में लड़ रहे हैं राज्य के लोग नहीं लड़ रहे हैं समझो भारत के अंदर वाले लोग नहीं लड़ रहे हैं राज्य के नेता लड़ रहे हैं किस बात के लिए अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं दोस्तों जितनी उम्मीद थी क्लास आप लोग चलिए तो अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं तो कर्नाटक और देखो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में दोस्तों क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक एरिया को लेकर विवाद चल रहा है ये अब भी विवाद नहीं है यह आजादी से समझो पहले कहीं है उस एरिया का नाम हो जाता है बेलागांव क्या बेलागांव एरिया हो जाता है बेलागांव या बेलगाम एरिया उसको लेकर तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी कि जो उन्नीस पहले से चल रहा है तो उन्नीस में एक कमेटी बनाई गई थी कि भैया इस जो विवाद चल रहा है दोनों देशों दोनों राज्यों के बीच में विवाद को समझाया जाए तो वो कमेटी कौन सी हो जाती है तो याद रखना वो महाजन कमेटी बनी गई थी नाम क्या हो जाता मेहर चंद महाजन ये मेहर चंद महाजन कौन थे दोस्तों तो मेहर चंद महाजन मुख्य सचिव मुख्य वो क्या थे चीफ जस्टिस थे क्या मुख्य न्यायाधीश थे भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे मेहर चंद म, मेहर चंद महाजन चलिए अगर मैप से देखते हैं तो कहां पे अपना पड़ता है मैप से अगर देख लेते हैं दोनों राज्यों को अपने पूरे भारत का मैप भारत में मैप से देखते हैं तो दोस्तों ये देखो महाराष्ट्र क्या ये आपको महाराष्ट्र दिखेगा ठीक है ये आपको महाराष्ट्र दिखेगा और यहीं से ठीक है यहीं से ये वाला क्या हो गया ये वाला कर्नाटक ठीक है ये वाला कर्नाटक और यहीं पर एक एरिया है यहां पर एक एरिया है जिसको लेकर इनको बीच में लड़ाई चढ़े क्यों लड़ाई चढ़े वर्तमान में देखो ये बेलागाम जो बेलागाम है दोस्तों वर्तमान में कर्नाटक में है क्या बेलागाम गांव पूछे लग वर्तमान में बेलागांव या बेलावी बोलते हैं क्या ये कहाँ पे वर्तमान में कर्नाटक में लड़ाई क्यों चल रही है दोस्तों तो बात हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्य बनने के लिए ये जो बेलागांव वाला में सब ज्यादा बोलने वाला कहाँ पे मराठी लोग हैं क्या मराठी लोग ज्यादा बोलने वाले हैं जबकि कर्नाटक में कन्नड़ बोलने वाले होने चाहिए तब यही महाराष्ट्र बोल रहा है कि भैया यहाँ पे मराठी लोग हैं ये तो हमारे में होना चाहिए ना हमारे में होना चाहिए इसी को लेकर ये लड़ाई चल रही है और इसी को देखने के लिए महाजन समिति का गठन

एक बोल रहा है गुरु जी स्क्रीन शॉट नहीं लेने देते पूरा पूरा दे पूरा पूरा नो, तो यही याद करा दूंगा एट्टी परसेंट आपको यही याद करा दूंगा चलिए ये क्यों अभी चर्चा में साथी तो ये चर्चा का विषय इसलिए है कि मुख्यमंत्री जी ने एक किताब लॉन्च किया है जो इस सीमा विवाद पे क्या सीमा विवाद पे है और उन्होंने ट्वीट करते हुए अच्छा है, सीमा भी पे है, और किताब क्या, क्या, क्या है? का सूंबाद. क्या नाम है महाराष्ट्र का सोमवार क्या महाराष्ट्र कर्नाटक का सोमवार किसके लिए इशू है देखिए आपको बता भी दिया ये पीडीएफ दे दूंगा डिस्प्यूटेड रीजन कौन सा है बेलागाम डिस्प्यूटेड रीजन है ठीक है बेलागांव डिस्प्यूटेड रीजन है और अगर उसके आसपास एरिया और उसके आसपारित सरिया वर्तमान में बेलागांव कहाँ है कर्नाटक में सभी के सभी चीज लिखा हुआ देखिए ये आ जाता है दोस्तों बेलागांव तो ये तो लेकर पूरा इसकी मांग करा है और इसके जो आसपास वाले रीजन भी है उसके लिए भी, भी लड़ाई है जो इसके आसपास कुछ रीजन है उसके लिए भी लड़ाई है यहाँ पे समझे मेरी बातों को बहुत सही शानदार बाबू पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं ना अभी ना जो आपके सनी सर है ना मैं सनी सर से कांटेक्ट कर लूंगा सनी सर जी बता देंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा ठीक है हो सकता है कि अलग से किसके लिए वो बनाई गई हो कहां पे क्या आप लोग यूज करते हैं क्या टेलीग्राम एग्जामपुर का अलग से बनाया गया होगा वहां पे नहीं तो हमारी एग्जामपुर ऑफिसियल ऐप पे तो पीडीएफ डलवा दूंगा समझे मेरी बातों को सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलिए इसको अच्छे से करेंगे बच्चे आपको आना है प्रजेंट में बैला गांव कहां पर भी याद रखेंगे प्रजेंट में कहां पर है कर्नाटक में आगे बढ़े यहां तक चीजें क्लियर है यह आपको पीडीएफ में दे दूंगा अब देखिए जब भी देखिए ये पूरी ये फाइल पे वही चीज दिया हुआ कि क्या क्या हुआ था महाजन कमेटी ने क्या किया था ये महाजन कमेटी ने ये रिजल्ट सुनाया था जो जो बताई ये सारी चीजें इसी में लिखी गई है ये सारी चीज इसी में लिखी गई है चलिए आज पहला दिन है अभी लास्ट में ना मैं आपको कुछ शानदार तरीके से कुछ रिविजन भी कराने वाला हूं चलिए अगला प्रश्न आ जाता है ऑफ ऑफ कंट्रीज आर्मीज रिसेंटली डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी फॉर वन ईयर निम्नलिखित में में से दोस्तों किस देश में, हमारे किस एक पड़ोसी देश में हाल ही में एक वर्ष के लिए देश में आपातकालीन घोषणा की गई देखिए ध्यान से सुनेंगे सैन्य तख्ता पलट किया गया है क्या किया गया सैन्य तख्ता पलट किया गया है क्या किया गया मेरे प्यारे साथी सैन्य तख्ता पलट किया गया है इसका मतलब क्या होता है सैन्य तख्ता पलट का मतलब क्या होता है वहां पे सरकार लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार चल रही थी अब क्या किया जो सेना होती है वहां की आर्मी सेना होती है अब वहां से उन लोगों को पकड़ लिया जो वहां पे मतलब कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी लीडर हुआ करते थे अब खुद राज्य करने लगा ये कहाँ पे किया गया हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में कहाँ पे पड़ोसी देश म्यांमार में देखिए यहाँ पे पहले भी सैन्य तख्ता पलट हुआ पहले भी हो चुका है क्या पहले भी हुआ था उन्नीस में ठीक है उन्नीस में पहले भी हुआ था चलिए अब इससे जुड़ी एक कहानी सुना देता हूं आपको चलिए सैन टखता पलट ये मेरे प्यार साथी वर्तमान में कौन हो जाती है चलिए पहले तो बता देते हैं कि म्यांमार कहां पर आपको दिखा दूं म्यांमार कहां पर आपको दिखा दूं देखिए म्यांमार की बात करूंगा दोस्तों तो भारत के चार राज्यों से लगभग सोलह किलोमीटर की सीमा लगती है ठीक है अरुणाचल प्रदेश मणिपुर और मिजोरम से इसकी सीमा लगती है चार राज्यों से अगर बात करूंगा दोस्तों ये अपना प्यारा भारत हो गया ठीक है इधर बांग्लादेश ये जो म्यांमार है क्या म्यांमार है ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है म्यांमार ठीक है ये अपना म्यांमार हो जाता है इसमें चौदह प्रांत है कितने चौदह प्रांत हो जाते हैं प्रांत मतलब क्या जिस तरीके से अपने हर राज्य होते हैं यहां पे चौदह प्रांत हो जाते हैं तो ये म्यांमार हो गया चलिए यहां पे सैन्य तख्ता पलट कैसे किया गया तो देख लेते हैं Okay. ये मेरे प्यारे साथी आपको जो दिख रही है ना ये महिला जो आपके पास दिख रहे हैं इनका नाम हो जाता है क्या आंग सांग सुखी क्या आंग सांग सुन का नाम हो जाता है क्या आंग सांग सु हो जाता है ये वो महिला है दोस्तों इनके बारे में कभी आप पढ़ने की कोशिश करना तो आपको एक तो गुस्सा भी आएगा किसके म्यांमार के आर्मी के प्रति और दूसरा इनके प्रति बहुत ही सहानुभूति आएगा क्यों चलिए आपको सुनाता हूं कहानी आपको सुनाता हूं कहानी आपको सुनाता हूं आराम से सुनिएगा कहानी किसके बारे में आंग सांग सुकी के बारे में आंग सांग सुकी के बारे में कहानी सुनता हूं बच्चे ये जो आंग सांग सुकी है इनका जन्म होता है कब इनका जन्म 1945 में होता है ठीक है इनके पिताजी थो इनको जो पिताजी थे दोस्तों ये भारत में भी आया करते थे मतलब कि भारत में ऐसे क्या काम करिया किया करते थे राजदूत भी बन के ऐसे कुछ तरीके का करके काम किया करते थे तो इनका पढ़ाई लिखाई भी भारत में कुछ हुआ कुछ पढ़ाई लिखाई भारत में हुआ है और इनकी ग्रेजुएशन दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनका ग्रेजुएशन हुआ तो ये दिल्ली की बेटी भी इनको बोल सकते हैं ठीक है ठीके? थोड़ी सी बड़ी उड़ी हुई ठीक है बड़ी उड़ी हुई म्यांमार में बहुत सारा अत्याचार चल रहा था आर्मी सेनाओं का बहुत बड़ा वहां पे बोलबाला था अत्याचार लोगों पे कर रहे थे ये यहां से जाती हैं ठीक है ये जाती है म्यांमार में फिर सारे चीजों को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि मैं एक पार्टी बनाऊंगा क्या मैं एक पार्टी बनाऊंगी क्या बनाऊंगी मैं एक पार्टी बनाऊंगी 1988 में ये एक पार्टी बनाती है कब बनाती है 1988 में एक पार्टी बनाती है उन्नीस में इलेक्शन होता है मेरी बातों को सुनिएगा पहली बार उन्नीस में क्या कर दिया गया था तख्ता पलट किया गया था उन्नीस में पार्टी बनाती है उन्नीस में इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में इस इलेक्शन में मेरे प्यारे प्यार पह, अपनी पहली इलेक्शन में कौन आंग सांग सु कितने वोटों से जीतती है ये जीतती है नवासी परसेंट वोटों से मैं कहानी क्यों सुना रहा हूं सो so डैट आपको याद हो जाए और चीज़ों को रिलेट कर पाए ठीक है कभी कभी ये चीज़ होता है आपको रिटर्न एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट कर देता है नवासी वोटों से जीतती है लेकिन वहां की आर्मी सेना नहीं मानती है इस रिजल्ट को क्या आर्मी सेना नहीं मानती है और इनके बोलबाला को देखते हुए दोस्तों क्या कर दिया जाता है इनको नजर बंद कर दिया जाता है क्या नजर बंद कर दिया जाता है अब बोलोगे गुरु जी ये नजरबंद क्या होता है तो सुनो दो तरीके का समझिए हो जाता है एक तो जेल भेज दिया जाता है ठीक है एक दूसरा नजरबंद कर दिया जाता है क्या नजरबंद जहां पे जेल भेजा जाता है दोनों में अलग क्या होता है जब जेल किसी को भेजा जाता है ना वहां पे परिवार को अनुमति होती है कि आप जाइए अपने परिवार से मान लीजिए मेरे परिवार के लोग किसी को क्या जेल भेज दिया गया तो मैं जाकर जेल में मिल सकता हूं जब लेकिन नजरबंद में, में मेरे प्यारे साथी क्या किया जाता है जेल वगैरह में नहीं भेजा जाता है इनको एक घर में ही बंद करके रख दिया जाता है लेकिन आप किसी से नहीं मिल सकते क्या किसी से नहीं मिल सकते क्या आप किसी से नहीं मिल सकते हैं चलिए एक बोल रहा है कि गुरुजी जी यहाँ पे इतने आराम से पढ़ा रहे हैं। उधर वहाँ पे एग्जामपुर में तो बुलेट की तरह पढ़ाते थे चलिए तो यहां पे किसी से दोस्तों नहीं मिल सकते हैं यानी कि देखिए जब ये नजर बंद हुई कब उन्नीस सौ नवासी में नजर बंद हुई कब दोस्तों? ये दोस्तों नजर बंद कब देन, 1989 में नजर होती है और ये दो तक नजरबंद रहती है समझिए लगभग कितना इक्कीस साल तक नजरबंद रहती है अब इस इक्कीस साल में इनको तो न अपने बेटा से मिलने दिया गया न अपने पति से मिलने दिया गया किसी से और इसी बीच इनके पति NXT का में निधन भी हो जाता है तब भी नहीं मिल पाती क्या तब भी नहीं मिल पाती क्यों इन्होंने अपना देश 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 के 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 लिए 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 इतना त्याग किया क्या देश के लिए इतना त्याग है इनको दिया गया था दोस्तों का में दिया गया था। क्या? तब भी नहीं गई थी इनका बेटा जाकर नोबेल प्राइज लिए अब मेरे प्यारे साथी बात क्या हुई अब अब क्या हुआ कि फिर से 2010 में इनको नजरबंद से छोड़ दिया गया था बहुत सारे देशों का इस पर प्रभाव वाला वो दबाव बनाने लगे म्यांमार सेना पे तो इन्होंने 2010 में छोड़ दिया 2015 में फिर ये इलेक्शन जीत जाती हैं 2015 में इलेक्शन जीत जाती हैं पहली बार फिर फिर अपनी सरकार बनाती हैं ठीक है दो फिर अभी दो अब, अब फिर से नजरबंद क्यों किया गया अब देखो बात है दोस्तों आठ नवंबर 2020 की क्या आठ नवंबर 2020 की बात है जब इलेक्शन होता है फिर से ये जीत जाती हैं ठीक है ठीके? फिर से ये जीत जाती हैं बन भी जाती हैं काउंसलर बन जाती हैं फिर क्या हो जाता है फिर अब क्या बोला जाता है ये जो आठ नवंबर का इलेक्शन हुआ है वहां के सेना बोल रही है कि इसमें धोखाधड़ी हुआ है क्या इसमें धोखाधड़ी हुआ है और इसी चीज को लेकर ये सारे चीज को इनको कब्जा लिया गया वहां के राष्ट्रपति और स्टेट काउंसिलर जो भी है यह अंग सुखी है इन लोगों, इन लोगों को पकड़ लिया है इन लोगों को पकड़ लिया है और नजर बंद कर दिया है समझ गए मेरी बातों को एक बोल रहा है सर आपकी गलती हिंदी बहुत गलती है बच्चा मैं यहाँ पे हिंदी आपको पढ़ा नहीं रहा शब्दों को सुना करो मैं मानता हूं मेरी हिंदी की मात्रा वगैरह बहुत गलत है समझे तो शब्दों को सुना करो हिंदी में आपको सिखाने नहीं आया समझ गए मेरी बातों को तो नजरबंद म्यांमार का बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले पेपर में पूछेगा फरवरी 2020 में हमारे किस पड़ोसी देश में नजरबंद कर लिया गया चलिए तो वर्तमान में अभी जो हेड किसको दिया गया वहां के जो कमांडर चीफ है दोस्तों उनके बारे सारे उनके पास सारी सत्ता है ये कौन हो जाते मिंग आंग हलिंग क्या मिंग आंग हलिंग ये इनके पास सत्ता हो सत्ता है मिंग आंग हिलिंग के पास सत्ता है मेरे प्यार साथी यहां पे लगभग ढाई करोड़ ढाई सौ करोड़ नहीं ढाई सौ लोग देख रहे हैं एक बार मेरे प्यार साथी मैं अपने क्लास में जहां भी पढ़ाता हूं बस इतना उम्मीद रखता हूं दोस्तों मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं जो पढ़ाता हूं आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता तब तो मैं बोलता हूं कम से कम मुझे पता भी चलना चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको पसंद आ रहा है तो यहां पे लगभग ढाई लोग हैं तो बस इतना उम्मीद करता हूं तो जितने लोग हैं उतने लोग को लाइक तो होना ही चाहिए क्या उतना लाइक तो होना ही चाहिए साथी अगर जो मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूं अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे आप इसे क्या कर लो आप इसे लाइक कर दिया करो चलिए चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज फोर्टी डे इंटेंसिव विंटर पीरियड सिलाई कला इंडियड ऑन दी एक जनवरी इकतीस जनवरी देखिए ये देखिए एक कुछ नहीं है एक समय अवधि है क्या ठंड की समय अवधि उस अवधि को 40 दिनों की अवधि थी जिसका क्या नाम है चिलई कला ठीक है देखिए ये ये कितने तीन पार्टों में बांटा गया तीन पार्ट में बांटा गया कैसे ये पहले तो याद रख लेंगे ये चिलाई कला कहां पे ये चिलई कला ठंड ये जम्मू कश्मीर में क्या ठंड की अवधि ठंड की अवधि जो सबसे कड़ाके वाली ठंड ये देख लो तुमको इमेज से दिखा रहा हूं ये जम्मू कश्मीर में ठीक है ये इमेज कहा गया इमेज 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 देखो तीन तीन पार्टों में किया गया तीन पार्टों में किया गया देखो ये पहला दूसरा तीसरा एक होता है चिलई कला ये चालीस दिन का क्या चालीस दिन का होता है दोस्तों चिलई कला ये मेरे प्यार साथ दिसंबर को खत्म हो इकतीस जनवरी को खत्म हो गया यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड क्या जो बहुत ही उ करके जो चार पांच राजाई क्या यहाँ पे आपको पांच राजाई चाहिए क्या पांच राजाई सोने के लिए चाहिए पांच राजाई चाहिए फिर उसके बाद एक आता है चिलई खुर्द क्या चिलई खुर्द आता है दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी सी कम राजाई दो राजाई हटा दो क्या दो राजाई हटा दो ठीक है यहाँ पे तीन रजाई से काम चला लो ठीक है फिर यहां पे उसके बाद भी ये बीस दिन का होता है ये बीस दिन का होता है ठीक है समय अवधि और इसके बाद चिलई बच्चा होता है ये मेरे प्यारे साथी दस दिन का होता है क्या दस दिन का होता है तो एक फरवरी से अगले बीस दिन तक क्या चलेगा ये चिलई खुर्द फिर उसके बाद जब खत्म होगा इक्कीस के बाद ये चिलई बच्चा तो ये कहा के जम्मू कश्मीर से क्या जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू कश्मीर की बात करूंगा दोस्तों सर जी थोड़ा फास्ट प्लीज बच्चे कभी फास्ट करो वो फास्ट तो हो ही जाऊंगा आज पहली दिन है ना तुमसे थोड़ी बातें भी करनी देखिए जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ देखो अब इसमें मुझे फास्ट की जरूरत है क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बात, बातें पता होगी जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों ये उनतीस अक्टूबर सॉरी इकतीस अक्टूबर इकतीस अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना किसके साथ लद्दाख भी बना था इसके साथ क्या लद्दाख भी बना था इसके जो पहले गवर्नर थे जो पहले गवर्नर थे साथी कौन थे पहले गवर्नर थे जीसी मुर्मू क्या जीसी मुर्मू इसके पहले गवर्नर थे सही है पहले गवर्नर थे जीसी मुर्मू जबकि लद्दाख की बात करूंगा पहले गवर्नर आर के माथुर दोनों को साथ में लेकर चलेंगे क्या आर के माथुर पहले गवर्नर आर के माथुर पहले गवर्नर थे चलिए वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के वर्तमान में गवर्नर की बात करता हूं वर्तमान में गवर्नर की अगर बात करता हूं तो कौन है मनोज सिन्हा क्या मनोज सिन्हा वर्तमान में है मनोज सिन्हा वर्तमान में यहां पे 20 जिला हो जाती है क्या कितने जिला इसमें 20 जिला जम्मू कश्मीर में 20 जिला ठीक है जबकि लद्दाख में मेरे प्यारे साथी कितने जिला यहाँ पे दो जिला हो जाते हैं प्रश्न आपसे पता है क्या पूछेगा प्रश्न आपसे देखो क्या पूछेगा प्रश्न आपसे यह पूछेगा बात कब है बात है मेरे प्यार सती 31 अक्टूबर 2019 जब ये राज्य हुआ करता था क्या जब ये राज्य हुआ करता था तो इसके आखिरी राज्यपाल कौन कौन थे राज्य कौन थे राज्यपाल जम्मू कश्मीर के और जम्मू कश्मीर के आखिरी मुख्यमंत्री कौन थी आखिरी मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों तो दो, नोट कर लो जो आखिरी राज्यपाल थे दोस्तों सत्यपाल मलिक क्या सत्यपाल मलिक यहां पे आखिरी राज्यपाल थे पे जम्मू कश्मीर के जो कि वर्तमान में अभी कहाँ पे वर्तमान में अभी सत्यपाल मलिक की बात करूंगा तो मेघालय में, में कहां पे मेरे प्यार साथी मेघालय में हो जाते हैं चलिए मुख्यमंत्री कौन थी आखिरी मुख्यमंत्री कौन, कौन, कौन थी कमेंट करके बताओगे आखिरी मुख्यमंत्री कौन थी कमेंट करके बताओगे महमूबा मुफ्ती क्या महमूबा मुफ्ती महमूबा मुफ्ती एक बोल रहा स्लो सर तुम ना मेरे को अपने हिसाब से चलने दो महमूबा मुफ्ती महमूबा मुफ्ती यहां के आखिरी मुख्यमंत्री थी चलिए आखिरी मुख्यमंत्री थी आगे जब आएंगे साथ में मैं आपको स्टेटिक भी कराते जाऊंगा जैसे जितने भी राज्य आएंगे ना साथी मैं साथ में आपको स्टेटिक भी कराते जाऊंगा जैसे यहाँ की नाच की बात कर लिया तो कूद uh, डांस हो गया ठीक है राउफ डांस हो गया नेशनल पार्क की बात करूंगा तो सलीम अली नेशनल पार्क ये सारे चीज भी मैं आपको आगे आने वाले क्लास में कराते रहूंगा यानी कि आपको बस यहाँ पे करंट नहीं करंट के साथ आपको एस्टेटिक भी पढ़ाऊंगा क्या एस्टेटिक भी पढ़ाऊंगा इस क्लास में बस शर्त यह है दोस्तों आपको डेली से बनना है डेली कैसे बनोगे जब ज्यादा लोग आओगे और ज्यादा लोगों के पास जितने लोग अभी हमारे प्यार साथ यहाँ पे देख रहे हैं एक बार क्लास को देखने के बाद भी शेयर कर देंगे समझे मेरी बातों को चलिए यह हमारी आज की पहली क्लास थी चलिए एक रिपोर्ट आया दोस्तों जिसमें यह बताया गया है कि कौन सा राज्य भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया किसमें नवीनतम भारत न्याय रिपोर्ट में क्या जस्टिस रिपोर्ट न्याय रिपोर्ट में तो यह कौन सा दोस्तों किया है ये किसने किया महाराष्ट्र ने किया है क्या महाराष्ट्र ने किया है जस्टिस रिपोर्ट में टॉप पे कौन रहा है महाराष्ट्र ने कु चलिए बहुत सही महाराष्ट्र ने किया है साथी महाराष्ट्र ने किया है चलिए ये टाटा ट्रस्ट द्वारा रिपोर्ट लाई गई क्या टाटा ट्रस्ट के द्वारा बड़े राज्यों में किसने किया है महाराष्ट्र ने किया क्या बड़े राज्यों में महाराष्ट्र कौन सा रहा फर्स्ट पे महाराष्ट्र रहा बड़े राज्यों में में महाराष्ट्र फर्स्ट फर्स्ट पे पे रहा रहा जबकि छोटे में कौन सा था त्रिपुरा क्या त्रिपुरा फर्स्ट पे रहा था महाराष्ट्र पिछले बार भी फर्स्ट था और त्रिपुरा पिछले बार सेवन पे था तो याद रख रहा बड़े राज्यों में महाराष्ट्र बड़े राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पे और छोटे राज्यों में त्रिपुरा क्या छोटे राज्यों में त्रिपुरा देखो, देखो यहाँ पे एक ये रैंकिंग आगे मैंने चलो इसको मैंने अभी लिखवा दिया साथ में अब जितनी भी रैंकिंग आती जाएगी आपको लिखाते जाऊंगा जैसे कि हाल ही में दोस्तों नीति आयोग क्या नीति आयोग ने एक रैंकिंग जारी की थी कौन सी रैंकिंग नवाचार रैंकिंग क्या नवाचार रैंकिंग ठीक है इनोवेशन इंडेक्स ग्लोबल स्टेट इनोवेशन इंडेक्स इसमें दोस्तों लार्ज स्टेट में कौन टॉप किया था अगर आपने पहले से कहीं से पढ़ा है तो बताइए स्मॉलर स्टेट में 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 कौन सा में में कौन सा सा टॉप टॉप किया किया था था और केंद्र केंद्र शासित शासित प्रदेश प्रदेश क्या ये आप बताओगे ये आप बता रहे हो समझे नवाचार ठीक है ग्लोबल इनोवेशन में क्या इनोवेशन में इनोवेशन में कौन सा राज्य बड़े राज्य में टॉप कौन सा किया था ये आप बता रहे हो मैं नहीं बता रहा हूं ठीक है बड़ा राज्य ठीक है बड़ा राज्य छोटा राज्य ठीक है और केंद्र शासित प्रदेश में टॉप कौन किया था जबकि अगर कोई आपसे यह पूछ लिया पूरे विश्व में भारत की रैंक कितनी रही है नवाचार में तो 2020 में रैंकिंग आई थी तो इसमें भारत की रैंक 48 थी क्या 48 थी कोई बता रहा है क्या इसका कोई बता रहा है तो जल्दी बता दो कोई बता रहा है तो बताइए मैं नहीं बताने वाला इसका मैं देखना चाहता हूं आप पहले से भी कहीं से पढ़ रहे हैं या नहीं ये बकैती भी कर रहे हो क्या कोई बात नहीं अच्छा प्रयागराज की बात हो रही है मिलते हैं मिलते हैं आप सभी लोग कौन कौन आ रहा है प्रयागराज में चलिए देखो ये मेरे प्यार साथी देखो छोटे राज्य में कौन बड़े राज्य में कौन से टॉप किया था कर्नाटक बड़े राज्य में तो कर्नाटक टॉप किया था छोटे राज्यों में छोटे राज्य नहीं दोस्तों पहाड़ी राज्यों में क्या पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों राज में कौन सा टॉप किया था हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश किया था पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य में जबकि केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों नवाचार के लिए कहां पे ये दिल्ली दिल्ली में क्या ने टॉप किया था तो इसको नोट कर लो क्या दिल्ली ने इस पे टॉप किया था समझ गए मेरी बातों को दिल्ली ने दिल्ली ने इसको टॉप किया था चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं E इंपॉर्टेंट आपको जो है वो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं देखिए नोट कर लोगे पहले दो हजार बीस में क्या होने वाला है दो हजार बाईस में मेरे प्यार साथी उन्नीसवा एशियन गेम होने वाले है क्या दो हजार बाईस में मेरे प्यारे साथी क्या होने वाले दो हजार बाईस में दो हजार बाईस में क्या होने वाला उन्नीसवा एशियन गेम होने वाला क्या उन्नीसवा एशियन गेम्स होने वाला ये कहां पे? ये कहां पर होगा तो ये चीन के हांगजाऊ में होगा क्या चीन के हांगजाऊ में होगा अब यहां पे क्या किया गया है दोस्तों जितने भी ई स्पोर्ट्स गेम है अब ये ई स्पोर्ट्स गेम क्या हो जाते हैं जो तुम पबजी वगैरह जो सारे गेम वो खेलते हो ना उसी को ई स्पोर्ट्स गेम बोला जाता है और 2022 के लिए दोस्तों क्या किया गया है ई स्पोर्ट्स गेम को जोड़ा गया है 2022 एशियन गेम्स में 2022 एशियन गेम्स में जोड़ा गया है देखिए 2022 एशियन गेम में जोड़ा गया इसीलिए पूछा है अगर कोई पूछ लेगा जो 2022 एशियन गेम्स है उसका शुभंकर क्या हो जाता है 2022 एशियन गेम के शुभंकर मेरे प्यार साथी पेपर में ये पूछेगा ठीक है शुभंकर क्या हो जाता है तो 2022 एशियन गेम्स का जो शुभंकर है दोस्तों शुभंकर जो शुभंकर है उसका क्या नाम हो जाता है स्मार्ट ट्रिपल एट क्या स्मार्ट ट्रिपल एट इसका शुभंकर हो जाता है क्यों स्मार्ट बोला गया तो इसमें तीन हैं। एक दो तीन क्या क्या नाम है एक का नाम है चेन कॉन्ग कॉन्ग और एक है, जाता है। लियान लिया इसलिए इसको स्मार्ट ट्रिपलेट बोला गया इसी तरीके से दोस्तों जो पैरा और जो पैरा होगा ठीक है जो पैरा एशियन गेम्स होगा उसका शुभंकर दोस्तों क्या फेई फेई क्या फेई पे हो जाता है पे पे इसका चलिए कोई मेरे को एक प्रश्न और पूछता हूं बता देंगे चलिए ये कहां पर होने वाला है 2022 होंगजोक चाइना में होगा 26 वाला जापान में होगा 30 वाला कतर में होगा और 34 वाला रियाद में होगा चलिए जिस तरीके से मैंने साथी आपको ये बताया जिस तरीके से मैंने ये शुभंकर बताया कोई कमेंट करके बताना अभी क्या होने वाला 2021 में मेरे प्यारे साथी देखो मैं रिपीट कराऊंगा रिलेट करके पढ़ाऊंगा क्या रिलेट करके आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा देखिए 2021 में मेरे प्यारे साथी क्या होने वाला है टोक्यो ओलंपिक होने वाला होने वाला है कि नहीं टोक्यो ओलंपिक होने वाला है भैया कहां पर ये टोक्यो कहां पे जापान की राजधानी तो यहां पे शुभंकर इसका क्या है बताइए टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मेरे प्यारे साथी क्या हो जाता है इसी तरीके से रिलेट करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं देखिए तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर अगर पूछ लेगा तो इसका शुभंकर है टोवा क्या टोवा जबकि जिस तरीके से यहां पे पैरा तो यहां पे भी पैरा ओलंपिक भी होगा क्या पैरा ओलंपिक होगा पैरा ओलंपिक होगा और पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है तो पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर है उसका नाम हो जाता है सोमेटी क्या हो जाता है सोमेटी मेरी बातों को समझे कि अब कंफ्यूजन होगा नोट कर लो नोट करो क्या नोट करना है देखिए पहले तो डालिए पहले तो हेडिंग डालिए क्या हेडिंग नहीं लिखिए एक जगह एक साइड में क्या लिखिए एशियन ठीक है एक साइड में क्या लिखिए एशियन एक साइड में एशियन लिखिए ठीक है एशियन गेम्स और दूसरे साइड में क्या लिखिए दूसरे साइड में आप लिखिए

समझे मेरी बातों को शुभंकर हो जाते हैं चलो विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैजन दि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 देखिए क्रिकेटर से पूछता है ना ये भारत के एक डोमेस्टिक ट्रॉफी क्रिकेट है क्या डोमेस्टिक ट्रॉफी क्रिकेट है पूछा है 2020 में किसे जीता गया था 2020 में इसे किसे जीता है कौन जीता है तो 2020 में मेरे प्यार साथी तमिलनाडु जीता है तमिलनाडु जीता है किसकी ये तमिलनाडु इस बार दूसरी बार जीता है तमिलनाडु इस बार दूसरी बार जीता है किसके कप्तानी में जीता है तो ये कौन से कप्तान थे दिनेश कार्तिक क्या जो कप्तान थे दिनेश कार्तिक दिनेश कार्तिक कप्तान थे ठीक है दिनेश कार्तिक कप्तान थे अगर कोई आपसे पूछ लिया अगर पूछ लेता इतना तो डीप नहीं जाएगा आपके पेपर के लिए आपके पेपर के लिए टीचिंग वाले में लेकिन फिर भी पूछ लिया ठीक है सबसे ज्यादा रन कौन बनाया सबसे ज्यादा रन कौन बनाया तो एन जगदीशन करके क्या एन जगदीशन करके ये सबसे ज्यादा रन बनाए थे कितना तीन सौ चौसठ ठीक है जबकि सबसे ज्यादा विकेट ये किसके द्वारा लिया गया तो कोई ये दीपक करके आनंद या दीपक करके कौन थे ये बिहार से थे इनको द्वारा सबसे ज्यादा विकेट सबसे ज्यादा विकेट किसके द्वारा लिया गया था चलिए और ये किसके दो हराया किसको है तो ये बड़ोदरा को हराया क्या बड़ोदरा को हराया है किसको हराया है, मेरे प्यार साथी बड़ोदरा को हरा कर यह जीता है बड़ोदरा को हरा कर जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चलिए रनर अप बड़ोदरा देखिए यहाँ पे आपको लिख भी दिया गया ठीक है लिखा हुआ है पूरा कैप्टन दिनेश कार्तिक ठीक है रनर अप बड़ोदरा ठीक है अड़तीस टीम है इसमें के लिए सर्वाधिक रन एन जगदीशन तीन सौ चौंसठ और आशुतोष समन दोस्तों दीपक नहीं आशुतोष समन ये सोलह विकेट लिए बिहार से हो जाते हैं ठीक है ये बिहार से हो जाते हैं चलिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा खिलाड़ी है जो अपने भैया कि ये आएगा कि नहीं आपको देखिए अगर मैं बात करूं तो दिन में बहुत सारी न्यूज आती है क्या मैं बहुत सारी न्यूज कर आऊँ चाचा मर गए फूफा मर गए दादा मर गए दादी मर गए मैं वो उसी को कराऊंगा उसी मरे हुए व्यक्ति को लेकर आऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समुद्र तो है। बहुत बड़ा है समुद्र बहुत बड़ा है क्या मेरे प्यार तो बहुत बड़ा है क्या मुझे पूरे समुद्र की जानकारी रखनी है पूरे समुद्र की जानकारी गुरुजी नहीं रखनी हमें उस समुद्र में उस जगह की जानकारी रखनी है जहां पे तूफाने आ रही है या जहां पे थोड़ा घूमने या शादी के बाद क्या शादी के बाद हम लोग घूमने जा सके किसके अपनी बीबी के साथ क्या अच्छे से नौकरी करो पढ़ लो लिख लो नौकरी करो फिर घूमने जाना उस समुद्र पे द्वीप वगैरह पे तो अच्छे द्वीप या जहां पे तूफान वगैरह है, उसके बारे में हमें जानकारी रखनी पूरे समुद्र की जानकारी नहीं रखनी है तो उसी तरीके से हम वही करेंगे बहुत सारे न्यूज में उसको लेकर चलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा सर बच्चे के आंसर भी तो दीजिए पता नहीं क्या बोल रहे हो बच्चे

चाइनीज वैक्सीन को अपने यहां अनुमति दे दी है ये मेरे प्यार साथी हंगरी हो जाता है क्या हंगरी हो जाता है हंगरी के द्वारा दोस्तों हंगरी क्या बोला है हम अपने यहां चाइनीज वैक्सीन को लेंगे रीजन पता है क्या दिया है देखिए हंगरी की बात करो चाइनीज वैक्सीन का जो नाम हो जाता है साइनो फार्मा नाम हो जाता है क्या वैक्सीन का तो क्या नाम हो जाता है साइनो फार्मा रीजन क्या दिया है कि भैया बीमारी चाइना के पास आया पहले बीमारी किसके पास आया चाइना के पास आया और उसको इसके बारे में ज्यादा जानकारी होगा उसने जो दावा बनाया वो अच्छा होगा इसलिए हम हंगरी वाला लेंगे हंगरी वाला लेंगे हंगरी की राजधानी बुढ़ापेस्ट ठीक है जेनोसेडर इसके पर, क्या हो जाते हैं राष्ट्रपति करेंसी इसको फॉरिन हो जाती है प्रधानमंत्री विक्टर ऑरवेन हो जाते हैं क्या प्रधानमंत्री विक्टर ऑरवेन हो जाते हैं चलिए विक्टर ऑरवेन हो जाते हैं है। और दोस्तों मेडिसिन के बारे में देखिए वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा और एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दो ध्यान से सुनिएगा वैक्सीन के बारे में अगर इस वैक्सीन के बारे में आपको बात बताता हूं, की बात बताता हूं, तो सबसे पहला बनाने वाला देश कौन बना था जल्दी से खत्म कर लेते हैं क्या रसिया पहला देश था जिसने वैक्सीन बनाया था जिसका क्या नाम स्पुतिक स्पुतिक वी नाम था लेकिन इसको अनुमति नहीं दी गई थी क्या अनुमति नहीं दी गई थी यानी कि पूरा विश्व सॉरी इसको अनुमति नहीं दी गई थी मान्यता प्राप्त नहीं था जो रशिया ने किया था डब्ल्यू एच ओ के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था ठीक है तो ये अपने यहां भी बस यूज कर रहा था बाकी मान्यता प्राप्त करने वाला पहला मान्यता प्राप्त वैक्सीन पहला मान्यता प्राप्त वैक्सीन पहला मान्यता प्राप्त जो वैक्सीन है इसका नाम हो जाता फाइजर बायोटेक क्या फाइजर ठीक है फाइजर बायोटेक बायोटेक ये किसके द्वारा बनाई गए दोस्तों तो फाइजर बायोटेक फाइजर एक अमेरिकी कंपनी है क्या ये अमेरिकी कंपनी है और बायोटेक दोस्तों जर्मनी की एक संस्था है क्या जर्मनी का एक संस्था है ठीक है तो फायर बायोटेक को द्वारा पहली अनुमति दी गई और पहला देश यूज करने वाला कौन हो जाता है इस फाइजर बायोटेक को यूज करने वाला पहला देश कौन सा हो जाता है तो यूके ये पहला देश हो जाता है यूके ये पहला देश हो जाता है भारत में वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है तो भारत में वैक्सीन को लेकर एक वैक्सीन बनाई जा रही है कोवैक्सीन ठीक है कोवैक्सीन किसके द्वारा भारत बायोटेक के द्वारा और कौन कौन सी बनाई जा रही है कोवैक्सीन बनाई जा रही है और कौन सी बनाई जा रही है ये भी याद करोगे जो आधार पुणे वाला भी बता रहे हैं चलिए फाइजर बायोटेक बहुत सी चलिए साथी एक बार बताइएगा आज का ये हमारा क्लास कैसा लगा अब हम कब मिलेंगे दोस्तों परसों मिलेंगे क्या परसों मिलेंगे कल इसी समय आपके समय साथ कौन मिलेंगे कल इसी समय चार बजे आपके साथ मेरे प्यारे साथी मिलेंगे कल इसी समय आपके साथ कौन मिलेगा सनी सर मिलेंगे चार बजे मैं आपके साथ कहा मिलूंगा कल कल मैं आपके साथ रात्रि के आठ बजे एप्लीकेशन पे मिलूंगा क्या अगर आपने कोर्सेज वगैरह पेट में ले रखी है तो मैं कल रात्रि को कल रात्रि में अब मैं आपसे कहा मिलना वाला हूं देखिए आगे ये आज क्लास हुई है अब परसों होगी मेरे द्वारा कल कौन होगा यहाँ पे हमारे आठ शाम के चार बजे शनिसर होंगे कल मैं आपको कहा मिलूंगा कल मैं मिलूंगा आथ रात बजे क्या रात आठ बजे साथी रात आठ बजे पे अप्लिकेशन पे अप्लिकेशन पे ठीक है हमारे एग्जामपुर अगर आपने पेड कोर्सेज वगैरह ले रखी है तब क्लास कैसी लगी साथी जरूर बताइएगा क्या क्लास कैसी लगी साथी जरूर बताइएगा और जाने से पहले आपको मैं दो प्रश्न तो देकर जाऊंगा ठीक है दो तीन प्रश्न देकर जाऊंगा क्या क्या प्रश्न दोस्तों यह होमवर्क आप कमेंट करके इसको बता देंगे कमेंट करके बता देंगे पहला प्रश्न ये बताएंगे ठीक है चाइनीज वैक्सीन को चीनी वैक्सीन को चीनी वैक्सीन को चीनी वैक्सीन को खरीदने वाला पहला देश खरीदने वाला पहला देश पहला देश ये कौन सा हो जाता है पहला यूरोपियन देश दूसरा ये बताइए वर्तमान में वर्तमान में भारत की कितनी आद्रभूमि रामसर साइट में भारत की रामसर साइट में कितने रामसर साइट में कितने रामसर साइट में कितने समझे भारत की कितनी रामसर साइट में हो जाती है और पेटा एनिमल अवार्ड किसे दिया गया एनिमल अवार्ड किसे दिया गया, गया। उम्मीद करूंगा इसका जवाब दोगे ठीक है क्लास कैसी लगी साथी जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा बच्चे यहां पे कमेंट करके नहीं आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना वहां पे क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा ठीक है so सो डेट मैं बाद में आपको पढ़ चुका हूं कुछ और भी चीजें कुछ आप बताना है चाहते हैं गुरुजी स्पीड कम सादा पीडीएफ वगैरह के बारे में सारी चीजें वहां पे इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी मुझे अच्च... मतलब कि उम्मीद करूंगा आपको क्लास अच्छी लगी होगी स्वस्थ रहेगा मस्त रहेगा अपने पढ़ाई में बहुत ही पूरी तरीके से व्यस्त रहेगा शानदार तरीके से ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे लोगों को बुरा लगे तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करूंगा कल परसों मिलेंगे साथी, कल रात को आठ बजे एप्लीकेशन मिलेंगे धन्यवाद जय हिंद